हेलो एवरीवन, माय नेम इज गिनी एंड यू आर वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाडी कार एक्सेसरीज करमपुरा न्यू दिल्ली। थार वन ऑफ द बेस्ट कार। अभी तो इसके प्राइजेस भी कम हो गए हैं, तो इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा आएंगी क्योंकि इसको बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं। आज की वीडियो जो है हमारी थार में ऑडियो से रिलेटेड रहने वाली है। इस कार के अंदर बेसिकली हमने ऑडियो अपग्रेड किया हुआ है। फ्रंट में इसके जो स्पीकर आते हैं मैं दिखाऊंगा हमने क्या क्या लगाया, बट उससे पहले कहाँ कहाँ पे लगते हैं वो आपको दिखाने का स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रंट में थार के जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर लगकर आते हैं, कोएक्सियल स्पीकर्स कंपनी इसके अंदर ऑलरेडी देती है पेपर कोन। पीछे इस पे कोई स्पीकर्स होते नहीं है, इसके स्पीकर्स ऊपर इस पैनल पे लगे हुए होते हैं जिसमें यहाँ पे स्पीकर्स आते हैं और इस तरफ ट्यूटर्स आते हैं हमारे। तो पीछे ऊपर जो हमारे सिर के ऊपर वाले स्पीकर है वो कॉम्पोनेंट्स देती है कंपनी, क्योंकि उसमें ट्यूटर भी आता है, मतलब एक स्पीकर पेपर कोन और एक ट्यूटर देती है। आगे वाले में सिर्फ कोएक्सियल होता है। तो हम लोगों ने सारे स्पीकर्स जो है रिप्लेस किए हुए, हमने जीएल ऑडियो के स्पीकर्स लगाए हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। इस कार के अंदर हम लोगों ने जेएल ऑडियो के टू पेयर कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं। जेएल ऑडियो समझ लो थार के लिए ही बना है एक किस्म का, क्योंकि इसकी जो साउंड की एक सूदिंग साउंड है और एक स्मूथ जो इसका रिजल्ट आता है वो बड़ा जबरदस्त आता है, आपको ऐसा नहीं लगता। अभी हमने इसके अंदर चार कॉम्पोनेंट्स लगाए हुए हैं और एक एम्पलीफायर लगाया हुआ है और एक सबवूफर भी लगाया हुआ है। अभी हमने कॉम्बिनेशन इसका कैसे किया हुआ है कि जो हमारे ऊपर वाले स्पीकर्स हैं उनको हमने स्टीरियो से डायरेक्ट ड्राइव किया हुआ है, और फ्रंट जो स्पीकर्स हमने कंपोनेंट लगाए हैं उसका ट्यूटर आगे हमने डैशबोर्ड पे लगाया, उसको हमने एम्पलीफायर से ड्राइव किया सो दैट हम उसकी गेन मतलब उसकी पावर और सब वूफर की पावर को कंट्रोल कर सके और जो ऊपर स्पीकर्स लगे हुए हैं वो हमारे को इतना ज्यादा तंग भी ना करें, सो दैट एक अच्छा रिजल्ट हमारे को आए। हम लगाने को दो एम्पलीफायर भी लगा सकते थे, बट हमारे को ऊपर वाले स्पीकर की गेन कम ही रखनी पड़ती है सो दैट उसके ट्यूटर्स हमारे को कानों में ना पड़े और वाइल्ड ड्राइविंग हम एक म्यूजिक एंजॉय कर सके। एक छोटा सा तरीका है कार में ऑडियो सेटअप करने का कि हमारे को कौन से स्पीकर से कितनी आवाज चाहिए हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो इस कार के अंदर हमने आई एम प्राउडली मैं यहाँ पे बता सकता हूँ जो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद मैं आपको इसका साउंड सेटअप भी गाड़ी से बाहर भी निकल के एक वीडियो क्लिप बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। सब ऊपर हमारा जेएल ऑडियो का 10 इंच रहता है, बड़ी एक छोटी सी जगह थार के अंदर, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल प्रॉपर ये फिटिंग हो जाता है 10 इंच का सब ऊपर और बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट आता थार के अंदर। मैं ऐसा नहीं है कि सिर दर्द हो रहा है हमारा, हम अच्छे से म्यूजिक एंजॉय कर पा रहे हैं, हमारी पूरी 4 सीटर जगह भी है हमारे पास, वन ऑफ द बेस्ट। एम्पलीफायर हमारा साउंड मेकर्स का रहने वाला चैंपियन सीरीज का, ये आपका सीट के नीचे हम लोगों ने फिट किया और स्कॉश की प्योर कॉपर वायरिंग लगाई हुई है इस कार के अंदर, म्यूजिक जबरदस्त आ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा अपनी थार में क्या करा सकते हो। हम लोगों ने पहले भी थार के अंदर एक पूरा वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने पूरा इंटीरियर मेकओवर किया था उसका कॉफी एंड बेज कलर का, बट इस बारी कुछ अलग कंसेप्ट है, सब कुछ सेम ही रहने दिए हम लोगों ने। इस कार के अंदर हमने सेट ऑफ 18 पीसेस की कार्डी की एम्बियंट लाइट लगाई हुई है, ये एक्टिव एम्बियंट लाइट होती है एंड यू कैन जस्ट सी, अगर मैं इसको फील भी कर रहा हूँ ना तो ये मेरे हाथ में नहीं आ रही है। और प्रॉपर क्या कि अगर मैं मेरे फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड है तो मैं इसके जो कलर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली ही चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे को मान के चलो रेड कलर पसंद है तो मैं रेड कलर करूंगा, मेरे को ब्लू पसंद है तो मैं ब्लू करूंगा, कुछ इस तरीके से जो है हमारे कलर जिसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब मान लो मेरे को दिल है तो मैं वही करूंगा। और साथ में हमने इसके अंदर जो वेंट्स हैं वो भी इल्यूमिनेटेड लगाए हुए हैं, ये मर्सिडीज स्टाइल वेंट होते हैं जो हमने इसके अंदर लगाए हुए हैं, बड़े आराम से चेंज हो जाते हैं। और सिर्फ एक इसी एप्लीकेशन से मेरे वेंट्स के कलर भी मेरी एम्बियंट लाइट से प्रॉपरली मैच करते हैं इसके अंदर जो हमने इसमें लगाए हुए हैं। अब ये तो हो गया इंटीरियर का, इंटीरियर में कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ। अब जो वीडियोस आएंगी हमारी इसमें और क्या क्या सामान लग सकता है। इस कार के अंदर हम लोगों ने टेल लाइट भी लगाई हुई है, इस कार के अंदर हम लोगों ने स्कैनिंग वाली टेल लाइट भी लगाई हुई है जो हमारे मैट्रिक्स इंडिकेटर से रहती है। ये हमारा पार्किंग मोड होता है कि किस तरीके से एक टेल लाइट ऑन होती है, और सारे प्राइजेस यार हम लोग वीडियोस में नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे को व्हाट्सएप करो, हम सारे प्राइजेस आपको बेस्ट टू बेस्ट देंगे। ये हमारा पार्किंग मोड है। अगर मैं इंडिकेटर की बात करता हूँ तो इसमें हमारा मैट्रिक्स इंडिकेटर का मोड हमारे को मिल जाता है, प्लस ये लाइट जो है हमारी ब्रेक लाइट रहती है कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखाऊंगा तो जबरदस्त एक किस्म की। अब आ जाते हैं फ्रंट पे, क्या फ्रंट पे इसके क्या करा सकते हो। प्लस इस कार के अंदर हम लोगों ने एक तो हेडलाइट ये ग्रिल सर ने कंपनी से चेंज करा ली थी, अदरवाइज हम लोग ग्रिल्स में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस देंगे आपको, अलग अलग वीडियोस दिखाएंगे इसकी। हेडलाइट्स हम लोगों ने अपग्रेड की हुई है इसके अंदर, हमने जो इसके इंडिकेटर्स आते हैं मैट्रिक्स वाले इंडिकेटर्स भी लगाए हुए हैं, प्लस इसमें आपको DRL का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो है इसके अंदर बेसिकली थार के अंदर फ्रंट में भी बहुत कुछ अपग्रेड करने के लिए होता है, और बहुत सारी वीडियोस हैं ऑलरेडी, जो लोग थार ले भी रहे हैं या ले चुके हैं उन्हें पता है, बम्पर चेंज करा सकते हो, ग्रिल चेंज करा सकते हो,
फॉग लाइट, हालांकि ये फॉग लाइट हमने नहीं लगाई है, ड्यूल कलर वाली फॉग लाइट भी कंपनी से लगकर आई हुई है, ग्रिल हो रही है। हमने इसकी हेडलाइट्स अपग्रेड किए हैं और इंडिकेटर अपग्रेड किए हुए हैं, तो ये सारा कुछ हमने थार के अंदर किया है। म्यूजिक सिस्टम की जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट में 40,000 से 42,000 के बीच में है, बाकी लाइट्स भी हैं, टेल लाइट्स भी हैं, इंटीरियर की जो लाइट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ की हैं, जिसमें हमारी एम्बियंट लाइट और हमारे वेंट्स आ जाते हैं। हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन में रेट नहीं डाल सकते, उसके लिए व्हाट्सअप कीजिए। अब एक क्लिप जिसमें आपको साउंड भी चेक कराइए। कैसा लगा होगा जिसमें एम्बिएंट लाइट्स और वेंट्स दिखाए हैं हमने आपको, और म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड दिखाया है, टेल लाइट्स दिखाए हैं, हमारे को कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे शॉर्ट्स वीडियो भी देखनी हो तो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें लाडीगर एक्सेसरीज इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। अगली वीडियो के लिए और कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।